व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आज बात करने वाले हैं हम ब्रांड के बारे में। आज आपको हम बताएंगे कैसे आप अपने ऑनलाइन बिजनेस को एक ब्रांड बना सकते हैं। देखिए, मैं तो पहले आपको ये बताऊं कि जब भी आप अपने बिजनेस का नाम सेलेक्ट करें, चाहे वो ई कॉमर्स का बिजनेस हो, चाहे वो आप कोई भी कैटेगरी में डील करते हो, तो आप उस कैटेगरीज में आप एक ऐसा नाम डिफाइन करें, एक ऐसा नाम चूज़ करें जिसमें आपको समझ में आए कि भाई हाँ, ये नाम बेस्ट रहेगा, ये नाम रखना चाहिए, ताकि इस नाम को हम आगे लेके जा सकते हैं। अगर हम सिंगल सिटी में कर रहे हैं, अगर भाई हमारा बिज़नेस ग्रो हुआ, हम इस ई कॉमर्स ऑनलाइन बिज़नेस को हमने ग्रो किया, हम सब्जियां बेच रहे हैं ऑनलाइन, या फिर ग्रॉसरी बेच रहे हैं, या फ्रूट्स या फिर अदर प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो इनको हमें अब आगे लेवल पे जाना है, नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, तो हम मल्टी सिटीज़ या बड़ी बड़ी सिटीज़ में जाएंगे ना। तो अभी तो सिंगल सिटी में कर रहे हैं, तो आगे जाके जब हम बड़ी बड़ी सिटीज़ में उसको शुरू करेंगे और दूसरी सिटीज़ में एक्सपैंड करेंगे, तो हमें उस ज़रूरत होगी उस ब्रांड को, उस नाम को रजिस्टर कराने की। अब भाई आपने ऐसा नाम चूज़ किया था जो पहले से ही कहीं रजिस्टर है, या पहले से उसका डोमेन नहीं मिल रहा है, तो वो गलत हो जाएगा। तो आपको डिसाइड करना है कि आप किस टाइप का नाम चूज़ करना चाहते हैं। आप एक ऐसा ब्रांड नेम बनाएं, एक ऐसा नाम डिसाइड करें जो आगे जाके रजिस्टर हो जाए, जो आगे जाके काम चले आपका। तो ऐसा आप नाम अगर सोच लेंगे तो वो आगे चल के आपको काम आएगा, उसको ब्रांड बना सकते हैं, आगे चल के उसमें बहुत प्रॉफिटेबल हो सकता है, उसका डोमेन मिलेगा और उस कंपनी को रजिस्टर भी करा सकते हैं, ट्रेडमार्क भी आसानी से मिल जाएगा। ट्रेडमार्क कैसे मिलता है, ट्रेडमार्क की बात करें, उस लोगों का ट्रेडमार्क, मतलब उस तरह लोगो कोई और नहीं बना सकता, उस तरह सिंबल कोई और नहीं बना सकता। कंपनी की एक पहचान होती है लोगो, और लोगो कैसे डिजाइन किया जाता है वो तो आपको हमने बता ही दिया भाई, कि आप खुद लोगो बना सकते हैं। बहुत से ऐसे फ्री टूल्स हैं गूगल पे, जैसे canva.com पे जाके आप अपना खुद का लोगो बना सकते हैं, अच्छी खासी पोस्ट बना सकते हैं, तो लोगो तो वहाँ से बना सकते हैं। तो लोगो जो है उसका ट्रेडमार्क मिल जाए, इसलिए ऐसा हम समझा रहे हैं कि आप ऐसा नाम डिसाइड करें जो आगे जाके काम आए, आगे उसका यूज़ कर पाएँ, ही आगे जाके ब्रांड बनता है। और आपने देखा होगा कई ऐसे ब्रांड हैं जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, बिग बास्केट, ग्राफर्स, ये सब ब्रांड बन चुके हैं आज की डेट में। तो अब उन्होंने कोई ऐसे ही नाम रख लिया होता तो ये नाम रजिस्टर कैसे होता, ट्रेडमार्क कैसे मिलता, बताइए, ये चीज़ है। तो आप ऐसे नाम डिसाइड कीजिए जिसको आगे जाके ब्रांड बना सके, एक्सपैंड कर सके, मल्टी सीरीज में आगे जाके बढ़ सके। जहाँ तक मैंने पिछली वीडियोस में बताया था कि आप अपने बिजनेस का नाम क्या रखें, जब आप बिजनेस का नाम डिसाइड करते हैं तो आपको नाम इस तरह से रखना है, नाम एक क्रंची सा होना चाहिए, एक अच्छा नाम होना चाहिए कि आपके बिजनेस से रिलेटेड हो, थोड़ा मिलता जुलता हो, तो वो इम्पैक्ट डालेगा, एक अलग ही लेवल का होगा, एक अलग ही इम्पैक्ट पड़ेगा आपके बिजनेस पे। तो मेरे ख्याल से नाम वगैरह आप इस तरह से चूज़ कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत से कमेंट्स आते हैं जिसमें पूछते हैं भाई वेबसाइट कैसे बनाएं, ऐप कैसे बनाएं, मोबाइल एप्लीकेशन अगर आप बनवाना चाहते हैं किसी भी टाइप का, तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सअप कर दीजिए, आपको डिटेल्स मिल जाएगी। बाकी सारी चीज़ें ठीक हैं, थोड़ा सा डिस्कशन था जो हमने आपको बताया। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, कमेंट में बता देना किस टॉपिक में वीडियो देखना चाहते हैं आप, उस टॉपिक में हम जल्द से जल्द वीडियो अपलोड करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।